तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मूड चैनल। मैं हूं आपका दानिश और आप देख रहे हो व्लॉग्स। तो गाइस, आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहा हूं शाम को 5:20 पर। अभी मैं खड़ा हूं एग्जिट 27 नंबर पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी मैं यहां पर आया हूं 2 घंटे बाद। आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, क्या ही बोला जाए। तो अभी यहाँ पर आगे खड़े हुए हैं, पीछे कभी एक लड़का रहता है, उसके घर में उसकी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ। तो मैं बाहर आगे खड़ा हूँ, उसको कॉल किया है, देखो कितनी मेरी गलती, कितनी मैं रहता हूँ, वेट कर रहा हूँ। आज वीडियो सुबह स्टार्ट नहीं की इसकी वजह से, क्योंकि आज जो है ड्यूटी नहीं है, दिन भर आज मैं रूप में रहता। अब बाहर निकलूँगा तो वीडियो कहाँ स्टार्ट करूँगा, तो मैं अभी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले तुम पूछते आप लोगों से कैसे आप लोग, इंशाल्लाह सभी अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई भी अच्छा, आपको आप लोग हम सपोर्ट है। तो देखते हैं कितनी अपनी गलती है, जो भी होगा बताएंगे आप लोग को। इसके बाद कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, जो भी होगा सब आपको बता देंगे। रुको ज़रा, सब्र करो। ये घर है कपिल के लड़के का, ये किराए पर रहता है। और आप पता कितने में निकले, कितने देर में, ऊपर किराए पे रहती है। एक्चुअली लोग आप लोग जानते होंगे कि सऊदी अरेबिया में क्या है, लोग यहाँ पर शादी के बाद भाड़े पर ही रहते, मतलब किराए पर ही रहना पड़ता है उनको। घर में सेपरेट फैमिली करना पड़ता है, जॉइंट फैमिली आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है, लड़ाई झगड़े। तो इन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए इस्लाम में शरीयत में भी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने माँ बाप को अलग, बीवी बच्चों को अलग रख सकते हैं। लेकिन अपने लोग के जॉइंट फैमिली इसलिए होती है क्योंकि माँ बाप बच्चों पर ही डिपेंड होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, पेंशन वगैरह होती है, तो माँ बाप बच्चों पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो बस यही रीज़न है कि यहाँ पर लड़के अलग और माँ बाप अलग रहते हैं। आप लोग बोलेंगे भाड़े पर ही क्यों रहना है, क्योंकि यार जब एक लड़का शादी करता है तो उस टाइम पर उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना खुद का घर खरीद पाए। लेकिन जब इनके 10-20 साल बीतते हैं शादी के बाद, तो तीन लोगों का पैसा हो जाता है तो लोग खरीद लेते हैं अपना घर। लेकिन जब शादी होती है तो कोई लड़का अपना पैसा नहीं, मतलब कि अपना घर नहीं खरीद पाता, सब भाड़े पर ही रहते हैं। अब अच्छी फैमिलीज हैं तो खरीद के देते हैं, अलग की बात है। लेकिन यहाँ पर अपने पैर पर खड़े होना पड़ता है, अपने पैसे से शादी करनी पड़ती है सब कुछ। और जब तक आपके पास पैसा नहीं है आप शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग रूल है। कम से कम 40,000 रियाल से महर स्टार्ट होती है यहाँ पर, कम से कम 40,000, उसके बाद तो आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना महर दे सकते हो। और यहाँ पे लोग ज़्यादा शादी 30 साल के बाद ही करते हैं, क्योंकि तो इतना पैसा कमाने में टाइम लग जाता है ना, इतनी जल्दी तो आप हलवा तो है नहीं पैसा कमा पाओगे। माँ बाप से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, वो आपके शादी में एक पैसा नहीं लगाएंगे, सब पैसा आपको ही लगाना है। आप कमाएँगे लगाएँगे तभी शादी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम केफाल मियाँ, मियाँ नेक्स्ट डे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कल मैंने वीडियो शाम को स्टार्ट की थी, ड्यूटी ना होने की वजह से वो वीडियो बड़ी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मैं आज उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं, और आज है जुमा, तो जुमे के दिन भी कोई ड्यूटी होती नहीं है। शायद शाम कहीं मैडम जाएंगी तो अलग की बात है, वरना दिन भर तो कुछ लड़के वगैरह जामा और ड्यूटी वगैरह कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो अभी टाइम है सुबह नाश्ते का, तो हम लोग जा रहे हैं आलू के पराठे खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, बहुत दिन बाद जा रहे हैं खाने के लिए। और हमारे ये देखो इनको देख रहो, इतनी सर्दी में हाफ टी शर्ट पहने, देख लो इनको, सर्दी नहीं होती सर्दी। इनको देख लो नो सर, हाफ टी शर्ट पहने इतनी सर्दी में, तुम पहने देख लो इतना मोटा पहने है ना ऊपर, इतना एटलीस्ट हाथ पे जो है ना इनके वो भी नहीं है, अरे सुबह दोपहर जब हमसे बोलते हैं सर्दी नहीं लगती तुझको, सर्दी नहीं लगती तुझको, अब आज खुद ही नहीं पहने बोले वंटा है। ये हाथ में क्या है, ये क्या है, ये वो है सीक्रेट, क्या पता नहीं है, नंग है। चलो चलते आलू पराठे का कहते हैं, बहुत दिनों बाद आलू पराठे मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है ना कि मैं रोटी बेल नहीं पाता हूँ, वरना मैं रूम पर ही बना लूँ, बहुत अच्छी रेसिपी आती है मुझे, लेकिन मैं बेल नहीं पाता हूँ, इसके लिए बना नहीं पाता हूँ ना। बेल तू वल्ला सच्ची, ठीक है चलो वापस नहीं गाड़ी मोड़, अब नहीं, अब पहले चलते खमसा में, वहां से पीड़ा बेलन लेते उसके बाद आटा लेते, आलू वगैरह तो रखा है अब रूम पर ही बनेगा, कुछ भी हो जाए आलू बना के रख लेंगे इकट्ठा, और डेली आटा सान सान के इनसे बेलवाएंगे, ठीक है वल्ला बेल ले तो ठीक है। अब पक्का है, अब नहीं छोड़ेंगे, अब
अब पेलेंगे तुमको डेली, ठीक है। पहले रोता तारा, देख रहा रोडी पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं ये अपनी होटल जहाँ पर हम लोग नाश्ता करते हैं। चलते हैं, भीड़ है कि नहीं है देखते हैं। होगी तो नहीं, यहाँ पर आलू के पराठे मिलते हैं। आए देखो सन्नाटा, देख रहे हो एकदम, जुम्मा का दिन है आज, इसकी वजह से आज होटल भी नहीं भरी है, देख लो। तो दो आलू पराठे, मूली पराठा, सॉरी एक मूली पराठा, दोनों एक आलू पराठा, एक मूली पराठा और दो चाय। अभी यहाँ पर क्या होता है ना, मूली पराठे चालू हो गए, बढ़िया पराठे होते हैं। हम जो डिसीजन ये कैसा है, कौन डिसीजन, कौन सा डिसीजन जिसने तुम हमको अच्छा, कौन सा डिसीजन बे अभी, अच्छा एक नंबर माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुमको और तरक्की दे और तुम्हारी जिंदगी आसान करे। तो देखो आज हम लोग ने चटनी लाई है सिर्फ पराठे दिखाने के लिए। अरे भाई क्या बात है, आलू के पराठे, मूली के पराठे, चटनी और चाय, ये वो चटनी है भाई, हरी चटनी नहीं बे, वही वाली है। मैं तो खाने लगा था, हैं सारी चट करने लगा था, मोटा छीन लिया। खा लेते, खा लेते, कोई मना है क्या, चलो शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है और बहुत मज़ा आई है, आलू पराठे के साथ चटनी आ गया, क्या बोला जाए यार। भाई एक्चुअली बचपन से आदत पड़ी है मेरे खाने की, चटनी के साथ ही आलू पराठे खाते थे, आज पीस के लाया। कल रात मैंने मेथी की खिचड़ी बनाई थी, वो चटनी रखी थी, मैंने कहा लेके चलते हैं आज इसको। कल जाते हम लोग प्लान बना के था कि चटनी पीसा है, चलते हैं सुबह सुबह आलू पराठे खाने के लिए, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी जा रहा हूँ गाड़ी साफ़ करने के लिए। बहुत गंदी गाड़ी हो गई है, 3 दिन पहले बारिश हुई थी, जब से गाड़ी मैंने साफ़ नहीं की एकदम गंदी है। अगर मैडम ने देख लिया ना तो बहुत चिल्लाने वाली, जल्दी फटफट साफ़ कर लेते हैं कि आज जुमा है और जल्दी साफ़ करके नहा धोके फ्रेश होते हैं ताकि जुमा जाके पढ़ सकें। तो चलते हैं गाड़ी धोते हैं। तो फाइनली गाड़ी एकदम चमक गई है भाई साहब, इतनी गंदी हो गई ना क्या ही बोला जाए, एकदम अभी चमक गई है, देख लो चेहरा देख सकते हो आप लोग अपना। तो आधे घंटे लगे मुश्किल से क्योंकि अंदर बाहर सब साफ़ किया है, तो ज़्यादा साफ़ करो, ज़्यादा अच्छे से साफ़ करो क्योंकि बहुत दिन से नहीं साफ़ किया था। तो जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि भाई मैं हमेशा बुराई करता रहता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें अच्छाई हैं, जैसे कि मेरे घर वाले जल्दी मुझसे नहीं बोलते कि गाड़ी साफ़ करो ही करो, और घरों में देखता हूँ मैं डेली डेली साफ़ करते हैं, हल्की सी गर्दन ही पड़ी हुई थी, मेरी गाड़ी एकदम गंदी थी, 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी तब से गाड़ी एकदम गंदी थी, मैंने नहीं धुला था, टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम तो बहुत था लेकिन सोने से फुर्सत मिले तब ना, क्योंकि रात में देर से सोता था, सुबह जल्दी उठ जाता था। अब आज जुमा है, आज जल्दी उठ गया, रात में सोया था जल्दी उठ गया, उसके बाद क्या करें, चलो चलते हैं फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, जुमे का टाइम हो रहा है। रुको जरा सबर करो। सो हेलो गाइज, गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी मैं आया था अपनी मैडम को लेके मलगा, मलगा बोले तो एग्जिट 2 नंबर पर आता है, तो मैं इनको भी लेके आया था यहाँ पर, मैंने छोड़ा 1 घंटे पहले निकला था घर से, ला कर छोड़ा ही है कि मेरी बुड्ढी बोली मैं लोकेशन भेज रही हूँ अब वहाँ जाओ। अब मैं फिर जा रहा हूँ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर, घर से 30 किलोमीटर दूर आया हूँ और फिर जाओ 30 किलोमीटर दूर अब किंग खालिदीन वलीड रोड पर, खालिदीन वलीड रोड पर जो है मैडम की बहन की लड़की रहती है, तो उसको उठा के लाना है, मतलब उसको लेके आना है, तो चलते हैं लेके आते हैं। और अभी मैं हूँ किंग सलमान रोड पर, तो चलते हैं देखते हैं आगे ट्रैफिक मिलता है कि नहीं मिलता है, मैप में तो दिखा रहा है कि ट्रैफिक है आगे, लेकिन ना हो तो अच्छी बात है,
वरना 1 घंटे लग जाएगा फिर आने जाने में, सिर्फ जाने जाने में। अभी बहुत कैमरे हैं इस रोड पर यार। किंग सलमान एक ऐसी रोड है यहाँ पर बहुत कैमरे मिलते हैं, स्पीड कैमरे भी दबा के हैं और फ़ोन वाले कैमरे भी दबा के हैं, सीट बेल्ट वाले कैमरे भी दबा के हैं, क्योंकि ये रोड जो है ना एयरपोर्ट जाती है, और लोग जो अगर जो रियाद के बाहर से आ रहे हैं, जो जहाँ से भी आ रहे हैं, तो इस रोड को यूज़ करते हैं लोग, क्योंकि ये रोड 120 की है, फटाफट पहुँच जाते, इसमें ट्रैफिक भी कम होता है। क्योंकि आप लोग मैंने पहले बताया जो एयरपोर्ट रोड जो जाती है वो उसमें ट्रैफिक कम होता ही होता है, इसकी वजह से ये लोग ये रोड बढ़िया है, एक नंबर। आफत किराक झकास फड़क 2000 years later. So hello guys, अभी टाइम हो रहा रात के 1 बज रहे हैं, और जैसे कि आप लोग मैंने बताया था कि मैं अपनी मैडम के साथ आया था, तो जिसको लाना था ले जाना था जो भी था मैंने सब करके अभी यहाँ पर आया था। तो अभी मैं आधे घंटे पहले सोया था, मेरी नींद बहुत ही जा रही थी और सर्दी भी बहुत ख़तरनाक है, तो मेरे पास एक जैकेट है तो मैं उसको ओढ़ के लेट गया था। जैकेट ऐसी है कि मेरे पूरी फुल आती है, ऊपर से लेकर नीचे तक आती है, पूरा पैर तक की। उसको पहन लो ना तो कितनी भी सर्दी हो आपको सर्दी नहीं लगेगी। अभी खाना आया है, अभी फ़ोन आया कि खाना ले लो आके, तो अभी ये खाना आया है, अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। गिर गया यार, ला रहा था गिर गया, तो अभी खाना खाते हैं। मैं पीछे बैठा हूँ, तो एक्चुअली क्या होता ना, अगर आप लोग ड्राइवर हैं और आप आने वाले हैं तो आपको मैं बता दूँ, अगर आप ड्राइवर हैं या फिर आने वाले हैं तो अगर आपको नींद आ रही है तो आप ड्राइवर की सीट में मत बैठिए, उस पर बैठेंगे। अगर आपको नींद आए तो अच्छी बात है, कंफर्टेबल नहीं होती वो, आप यारी सीट पर लेटिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि रात में जैसे कि मैडम लोग कहीं गई हैं तो आने से पहले लोग कॉल करती हैं, बोलती हैं गाड़ी शेयर करो, तो आप पीछे बैठिए लेटिए। सर्दी का टाइम है तो एक कंबल ले ज़रूर चलिए। अभी मेरे पास देखिए ये है मोटा, इसको मैं ओढ़ लेता हूँ, मज़ा आ जाती है। तो ये खाना खाते हैं, उसके बाद जो भी होगा बताएंगे। वीडियो आज की लंबी हो गई क्योंकि 2 दिन की वीडियो है, कल एडिट करेंगे तो फिर डालेंगे इंशाल्लाह। चलते खाते पहले इसको खाना। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहा है। रास्ते में सोते सोते आए समझ लीजिए, तो यहीं पर वीडियो को एंड कर लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे मालूम है कि आप लोग गालियां देते हैं कि भाई इतनी लंबी वीडियो ना बनाया करो। एनीवेज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि जो भी होगा सुबह बताएंगे, क्योंकि मालूम नहीं सुबह ड्यूटी है कि नहीं है, जल्दी सो जाते हैं 2-3 घंटे नींद हो जाएगी। तो गाइस यहीं देखते हैं मेरी वीडियो। अब सबसे पहले मेन इन्फॉर्मेशन, मैंने 2-3 से अब 4 दिन से वीडियो डालना चालू किया है, तो बहुत से लोग मुझसे अब वीज़े के बारे में फिर बोल रहे हैं। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पर जाइए, मैं अब वहाँ पर सारे वीज़े के अपडेट वहाँ पर दे रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर नंबर मिल जाएगा और वीज़े की अपडेट मिल जाएगी। तो जाइए वहाँ पर नंबर लीजिए, और जो वीज़ा आपको चाहिए उसमें लिख के आता है, सारी इन्फॉर्मेशन है। जाइए पहले ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप को, उसके बाद मिलते हैं आप लोग को वहीं पर। तो यहीं तक इतनी वीडियो, आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ भी याद रखिएगा।